नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन सा ETF ऊपर जाएगा, कौन सा ETF नीचे जाएगा, इसका पता आप पहले से कैसे लगा सकते हैं और इवन आप किसी भी शेयर के बारे में भी इसी विधि से पता लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा ETF ऊपर जाने वाला है अभी, कौन सा ETF नीचे जाने वाला है अभी। बिल्कुल सरल और साधारण स्ट्रैटजी मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बगल में जो घंटी का आइकन है इसे ज़रूर दबाइए और ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सा ETF ऊपर जाने वाला है और कौन सा ETF नीचे जाने वाला है। देखिए, अगर आप ये पता लगा लेते हैं और आपको ज़रा सा भी हिंट मिल जाता है इस चीज़ का, तो आप बहुत आसानी से उसमें अपनी पोजीशन बना के और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन आपको ETF में ख़रीदारी करने के लिए, बिकवाली करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ अपस्टॉक का, एलाइस ब्लू का। आप किसी के साथ भी जाके अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे AMC चार्ज भी बिल्कुल फ्री है। यानी कि जो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगने वाला है ईयरली, वो भी आपका फ्री रहने वाला है, आपको कोई भी पैसा यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा ETF ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा। मैंने आपके साथ बहुत सारी स्ट्रेटजी साझा की हुई हैं ETF स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से, जो कि यकीन मानना दोस्तों, एक एक स्ट्रेटजी जो लोग बेचते हैं ना पेड कोर्सेज, उनमें लाखों लाखों रुपए की बेच देते हैं। लेकिन मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ साझा करी हुई है, आप उनका यूज करिए। हालांकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि किसी भी फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं है, क्योंकि मिल जाए तो वो जो है मिट्टी है और ना मिले जब तक कोई भी चीज़ तो वो सोना है। तो इसलिए दोस्तों, मैंने जो आपके साथ स्ट्रेटजी साझा करी है वो वाकई में ही सोना है, आप उनकी वैल्यू कीजिए। आप पूरा प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार स्ट्रेटजी साझा की हुई है। और अब चलिए मैं आप लेके चलता हूँ आपको अपने मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले पर, वहाँ पर बताऊँगा कि आपको कैसे आपको पता लगाना है कि कौन सा ETF ऊपर जाएगा, कौन सा ETF नीचे जाएगा। तो देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सा एक काम करना है, अपना गूगल का ब्राउज़र खोलना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है nscindia.com, ठीक है सर। NSC की वेबसाइट पे आपको आ जाना है सीधा। और देखिए, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल फ़ोन पे दिखाई देगा NSC का। और यहाँ पे जिस भी ETF के बारे में आपको पता करना है कि कौन सा ETF ऊपर जाएगा, कौन सा ETF नीचे जाएगा, तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिया रहता है, जो इस पर मैंने अभी टैप कराया, आपको दिख रहा होगा ये सर्च बॉक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे उस ETF का नाम टाइप जो है कर देना है। जैसे मुझे देखना है, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि मुझे देखना है कि Nifty 20, ठीक है सर। तो मैं निफ्टी और यहाँ पे 20 टाइप कर देता हूँ, Nifty 20, ये आ गया ETF। अब ये पूरा डिटेल जो है इसका खुल जाएगा Nifty 20 का। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। आपको यहाँ पर दिखता है सबसे पहले है नहीं, ऑर्डर बुक दिखती है, इसमें क्या क्या ऑर्डर रहते हैं। और इसके बाद में ट्रेड इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है, यहाँ पे आपको दिखती है ट्रेडेड वैल्यू, ठीक है सर, और ट्रेड वैल्यू भी दिखती है, इसको वॉल्यूम दिखता है, उसके बाद आपको दिखती है वैल्यू, ठीक है। टोटल मार्केट कैप कितना है लाख्स में, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है सर। उसके बाद आपको दिखेगा फ्री फ्लोट मार्केट कितना है, इम्पैक्ट कॉस्ट कितना है। लेकिन इन सारी चीज़ों से आपका कोई भी मतलब यहाँ पर है नहीं, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपका मतलब किससे है कि एक तो आपका मतलब है वॉल्यूम से, कि किसी भी ETF में वॉल्यूम बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम का बहुत महत्व है। और आप इसी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ETF ऊपर जाएगा, कौन सा ETF नीचे जाएगा, आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। और इवन आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का जो है ना वो बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रीज़न है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है किसी भी स्टॉक में, किसी भी ETF में, तो इसका कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है, उस कंपनी के पीछे, उस ETF के पीछे उसमें ख़रीदारी आ रही है, बिकवाली आ रही है। अब यहाँ पे जाके आपको क्या देखना है, सिंपल सी चीज़ आपको एक देखनी है कि इसमें सर डिलीवरी क्या हुई है, डिलीवरेबल क्वान्टिटी कितनी है,
ठीक है सर। अब ये डिलीवरेबल क्वांटिटी कहाँ देखते हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसमें सजेस्ट कर देता हूँ कि डिलीवरेबल क्वांटिटी आपको कहाँ देखनी है। तो ये देखिए जो आपके स्क्रीन पे इस समय है ये लिख रही है डिलीवरेबल क्वांटिटी, तो 75.65% की इसमें जो है डिलीवरी उठाई गई है, जितनी भी इसमें ट्रेडिंग हुई है उसके आधार पर लगभग 75.65% के आसपास इसमें जो है डिलीवरी लोगों ने ली है, यानी कि इसको CNC में ख़रीदा है। तो बहुत बेहतरीन डिलीवरी इसमें मिली है, बहुत बेहतरीन डिलीवरी इसमें है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि डिलीवरेबल क्वांटिटी कितनी थी, इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी ट्रेडेड कितनी हुई है। ये सारी चीज़ आप यहाँ पे जाके खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए किसी के दूसरे के ऊपर आपको नहीं रहना है, ना मैं जो बोलूँ आपको बिल्कुल भी सच नहीं मानना है सारी बातों को, कोई दूसरा बोले बिल्कुल भी सच नहीं मानना है। आपको अपनी जो है बुद्धि विवेक का इस्तेमाल जरूर करना है, आपको अपना बुद्धि विवेक जरूर लगाना है कि मार्केट में चल रहा क्या है। और आप जो है मैं आपको तरीके बता सकता हूँ, माध्यम बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको काम करने से पहले आपको अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको वेरीफाई जरूर करना है। और कहीं पे भी निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले सकते हैं कि यहाँ पे मैं निवेश करने जा रहा हूँ तो क्या ये मेरे लिए सही है नहीं है। देखिए मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैंने खुद से सीखी हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंसेस करे हैं, मैंने खुद घाटे खाए हैं, मैंने खुद लॉसेस किए हैं, लेकिन उसके बाद जो मुझे ठीक लगता है आप कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर जो है, रिटेल इन्वेस्टर जो है, उसका पैसा बहुत ही हार्ड एंड मनी है, बहुत ही मुश्किल से आता है। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है मेरे चैनल के माध्यम से कि अगर कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में आ रहा है तो वो जो है अपनी मनी को ना खोए, अपने पैसे को ना खोए। जो भी आपका कैपिटल है सबसे पहले वो सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि आपका अगर कैपिटल सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप मार्केट में बने रहेंगे। अगर आपके पास एक बार कैपिटल चला गया, कैपिटल खो दिया, तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल आपको मार्केट बाहर कर देगा। क्योंकि जब आपके पास कैपिटल ही नहीं रहने वाला तो आप ट्रेडिंग फिर कहाँ से करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट ही कहाँ से करेंगे, आप स्विंग ट्रेडिंग ही कहाँ से करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे मैंने लॉट ऑफ वीडियो बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कीजिए। शानदार वीडियो मैंने आपके लिए दिए हुए हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट रहते हैं कि सर आप जो है ये बता रहे हो इतने रिटर्न नहीं बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। तो सर बिल्कुल बनते हैं, आप उसमें काम कीजिए जब ही तो बनेंगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके काम कीजिए, बिल्कुल बन जाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया कि पहली चीज़ तो जो है डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है किसी भी ETF की, किसी भी शेयर की, बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। जैसे कि इसमें 75% है तो बहुत ही तगड़ी डिलीवरेबल क्वांटिटी है, यानी कि जितना भी ट्रेड हो रहा है उसमें लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो इसको कैश एंड कैरी में इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, यानी कि इसको डिलीवरी में लेके जा रहे हैं। दूसरा आपको क्या देखना है इसमें, अब देखिए इसी के ऊपर एक चीज़ और रहती है, यहीं पे दिखा देता हूँ मैं सारी चीज़ें, और NSE की वेबसाइट से दिखा रहा हूँ मैं, कहीं से आपको कहीं से कोई भी इनलीगल डाटा नहीं दिखा रहा, बिल्कुल लीगल डाटा दिखा रहा हूँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डाटा दिखा रहा हूँ, NSE का डाटा दिखा रहा हूँ, और ETF के बारे में आप कैसे पता करेंगे वो सारी चीज़ें मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ रहती है हिस्ट्रिकल डाटा, आपको दिखा देता हूँ ये रहा, ठीक है सर। हिस्ट्रिकल डाटा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका जो भी हिस्ट्रिकल डाटा है वो खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आप शुरू से देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगी सर, सीरीज़ मिल जाएगी, ओपन मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा, लो मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ आपको और क्या मिलेगा, प्रीवियस क्लोज मिलेगा, LTP मिलेगा, ठीक है सर, प्रीवियस क्लोज मिलेगा, LTP मिलेगा, और आपको 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो, वॉल्यूम। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है इसमें वो है जी आपका वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम देखना है, अगर किसी भी ETF में वॉल्यूम बढ़ रहा है रेगुलर बेसिस पे, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप रख सकते, देखिए अगर आपको पैसा बनाना है, आपको पता लगाना है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं खाली बता सकता हूँ लेकिन आपको भी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको जो है इसी के साथ साथ वैल्यू भी देखनी है कि वैल्यू भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और इसी के साथ साथ अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर क्वांटिटी 90% पहुँच जाती है डिलीवरी की या 85 से ऊपर चली जाती है, तो आपको उस ETF पे, उस शेयर पे नज़र गड़ा के रखनी है कि लोग इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, FII, DII जो भी है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ख़रीदारी बढ़ा रहे हैं और वो भी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं,
रेगुलर बेसिस पे होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो होल्डिंग जब बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ होने वाला है, मार्केट जाने वाला है, क्योंकि हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, सही सही कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपको वो कह रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो किसी को भाई किसी भी मार्केट में पता नहीं है, या तो वो भगवान है या वो बहुत बड़ा झूठा है जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्लियर बता रहा है। क्योंकि आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मार्केट यहाँ जा सकता है, अपनी हिस्ट्री को दोहरा सकता है, लेकिन क्लियरली आप कुछ भी उसमें बता नहीं सकते। तो पूरे वीडियो को समराइज़ करते हुए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या देखना है। अगर किसी भी ETF में, किसी भी शेयर में अगर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, और उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, और उसकी डिलीवरी की जो क्वांटिटी है वो भी अगर बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ उस ETF में होने वाला है, और बिल्कुल वो बूम करेगा, बिल्कुल वो आगे बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी ETF में डिलीवरी बढ़ रही है, किसी भी ETF में अगर वैल्यू भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है, आपको बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ जाना है कि बिल्कुल आपको ख़रीदारी करने के लिए तैयार हो जाना है। और अगर आप इतना नहीं कर सकते, तो मैंने लॉट ऑफ स्ट्रैटजी आपके साथ साझा की हुई हैं कि आप RSI 60/40 कैसे कर सकते हैं, आप BVAP कैसे कर सकते हैं, आप MACD के साथ काम कैसे कर सकते हैं, और आप प्रतिशत वाइज काम कैसे कर सकते हैं। जैसे भी आप काम कर सकते हैं, आप किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अबाउट सेक्शन में मैंने अपना ईमेल ID व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे से संपर्क करने के लिए वहाँ से जाके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा समराइज करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी ETF का, किसी भी शेयर का ऊपर जाने का एक ही माध्यम है कि अगर उसमें वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, और इसी के साथ साथ डिलीवरी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो वो ऊपर जाएगा। और इसमें ये सारी चीज़ें घट रही हैं किसी भी ETF में, किसी भी शेयर में, तो समझ लो उसमें गिरावट आने वाली है और आ सकती है, आपको उसकी तैयारी बना के रखनी है। तो वीडियो अगर हल्का सा भी अच्छा लगा है आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और रेगुलर बेसिस पे शेयर मार्केट में लॉसेस पे लॉसेस किए जा रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कीजिए, उनको हेल्प कीजिए। और चैनल को, और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट रखिए। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।